चैनल ऑफ बड़ोदरा। अकोटा अतिथि गृह खाते बिहार सांस्कृतिक मंडल द्वारा दुर्गा पूजा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां शहर भाजप प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, स्थानिक काउंसिलर रीटाबेन सिंह तथा आयोजनकर्ता डीएन ठाकोर, रवि प्रकाश सिंह, विद्यान झा तथा मोटी संख्यामां समाजना लोको पण दुर्गा पूजामां जोड़ाया हता। बिहार सांस्कृतिक मंडल द्वारा आ निमित्ते रक्तदान शिबिरनुं पण आयोजन करायुं हतुं, जेमां डॉक्टर विजय शाह शहर भाजपा प्रमुखे रक्तदान आपनारनी मुलाकात लीधी हती। साथे ज आयोजक डीएन ठाकोर द्वारा डॉक्टर विजय शाह द्वारानुं स्वाल पहेरावीने स्वागत पण करवामां आव्युं हतुं। बिहार सांस्कृतिक मंडल बड़ौदा की माध्यम से 20-25 साल से अलग अलग सेवा की प्रवृत्ति चल रही है। इनकी सबसे बड़ी सेवा यदि बड़ौदा शहर के लिए कोई है तो ये रक्तदान शिविर है। पूरे बड़ौदा शहर में जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत हुई है वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन इनके माध्यम से होता है। छठ पूजा का भी कार्यक्रम इनके माध्यम से होता है और अभी जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो दुर्गा पूजा का भी उत्सव का यहाँ पर आयोजन हुआ है। हर साल ये विस्तार के हमारे माननीय म्यूनिसिपल काउंसिलर रीटा सिंह और इनके पति जी रवि सिंह ठाकुर जी और सब लोग साथ में मिलकर बड़ौदा शहर के बिहार से जुड़े हुए सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करके इनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति को चेतनवंत रखने का जो काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। पूजा का आयोजन किया है, कहाँ पे किया है और क्या महत्व है इसका? ये बिहार सांस्कृतिक मंडल बड़ौदा द्वारा 1996 से ही अकोटा अतिथि गृह में दुर्गा पूजा का आयोजन होते आया है और उसी क्रम में इस साल भी हम लोग यहाँ आयोजन किए हैं। आयोजन यहाँ 7 तारीख से ही हुआ है, मतलब कि कलश रखने से लेकर के विसर्जन तक पूरे हमारे विधि विधान के साथ कार्यक्रम यहीं पर होते हैं जो इस साल भी हो रहे हैं। बाहर से हम लोग आर्टिस्ट मंगाते हैं कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए जो बिहार, झारखंड, बॉम्बे और गुजरात के भी होते हैं और सभी भाषाओं में यहाँ शाम को हजारों लोग उसमें भाग लेते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हमने गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 400 आदमी के अंदर का लिमिट रखा है। हॉल में भी देखेंगे कि 300 आदमी का लिमिट है लेकिन हमने 100 आदमी से ज़्यादा का यहाँ परमिशन नहीं दिया है। और दुर्गा पूजा का महत्व आपको देखना हो तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के कुछ पार्ट में देख सकते हैं। इसी दिन सबसे शक्तिशाली महिषासुर का मर्दन उनका वध किया था। इनके पास 10 शक्तियाँ हैं, शक्ति 10 होती हैं, 10 शक्ति मिलकर के दुर्गा का अवतार हुआ था और इनका सर्वनाश किया था महिषासुर का, जो कि एक राक्षस परिवार से थे। और उसी संदर्भ में और बहुत सारी कहानियां हैं। दुर्गा पूजा मनाया जाता है यहाँ, भंडारे का कार्यक्रम भी अभी देखेंगे कि हजारों लोग दिन में आते हैं और शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता है, दिन में पूरा पूजा पाठ होता है और बहुत धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। धन्यवाद। बिहार संस्कृति मंडल द्वारा हर साल हमारे यूपी बिहार हर समाज वाले यहाँ पे मिलकर अकोटा अतिथि गृह में मनाते हैं और ये दुर्गा महापूजा में सब लोग भाग लेते हैं। हमारे समाज वाले सभी समाज वाले मिलकर ये काम करते हैं जिसमें कि सत्य का विजय होती है और असत्य का नाश होता है। बोलो अम्बे मात की जय।